हेलो मेड एजेंसी, देखो भाई मुझे एक मेड चाहिए। अरे पहले मेरी बात तो सुनो। देखो उस लड़की का कोई भी यार दोस्त बॉयफ्रेंड मंगेतर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दे। हाँ ठीक है। I'm so sorry, वो थोड़ी लेट हो गई, पापा घर पर थे नहीं तो थोड़ा घबरा गई, पता नहीं कहाँ चले गए, उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैया कसम तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा चक्कर है ये, तुम पापा को ढूंढती रहती हो, अंकित तुमको ढूंढता रहता है, अंकित के पापा उसको ढूंढते रहते हैं और तुम दोनों को मिलाने के लिए हम एक नया आइडिया ढूंढते रहते हैं। इस ढूंढम ढूंढाई में ना पूरा जिंदगी कट जाएगा यहीं पे, बता रहे हैं हम। करिश्मा सिंह मैम वो यही कहीं होंगे, लौट आएंगे, आप उनकी टेंशन मत लीजिए। वैसे भी आसपास के सभी लोग उनकी भूलने की बीमारी को अच्छे से जानते हैं, अगर वो भूल भी गए तो कोई ना कोई उनको पकड़ के घर छोड़ ही देगा। अब ये बताइए आप कुछ प्लान का जिक्र कर रही थी। हाँ ओके, तो प्लान सुनिए। प्लान बहुत ही सिंपल है। तुम्हें याद है जिस तरीके से जब तुम्हारी मम्मी की डस्ट एलर्जी की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, तब कोमल ने वहाँ सही मौके पर पहुँच कर उन्हें ठीक कर दिया था और तुम्हारी मम्मी इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गई थी। ठीक उसी तरह कोमल को अब तुम्हारे पिताजी को इम्प्रेस करना है। जहाँ तक हमें याद है तुम्हारे पिताजी को खाना खाने के बाद दूध के साथ एक बहुत जरूरी दवाई लेनी होती है। घर पर फिलहाल कोई मेड नहीं है, चीता और संतोष वहाँ पहुँचते ही होंगे और वो तुम्हारे पिताजी की जिंदगी और खराब कर देंगे। हमारे ही कहने पर गए हैं, वो यही प्लान का एक हिस्सा है। वो उन्हें और ज्यादा डराएंगे और ज्यादा परेशान करेंगे। जब तुम्हारे पिताजी को ऐसा लगने लगेगा कि काश कोई भरोसेमंद इंसान वहाँ होता जो उनका ख्याल रखता, जो उनकी मदद करता, तब उनके घर की डोरबेल बजेगी और वहाँ कोमल जाएगी आदरणीय बहू बनकर, जो कि वो असलियत में है। हम किसी से झूठ नहीं कह रहे हैं, वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। वो घर जाएगी, उनका ख्याल रखेगी, खाना बनाएगी, उन्हें वो दूध के साथ जरूरी दवाई भी देगी। तब तुम्हारे पिताजी को ये एहसास हो जाएगा कि कोमल तुम्हारे घर के लिए सबसे अच्छी बहू है। वो तुम दोनों को अपना आशीर्वाद देंगे और तुम दोनों की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व। यही है हमारा प्लान। अब बस उम्मीद कीजिए कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ आज। ये देखिए, ये मेरे पहले वाली जेब में मेडिसिन्स है, ये तो हो गई। अब ये मेरी दूसरी जेब में सेम टू सेम मेडिसिन्स है, ये देखिए। आप पूछिए किस लिए? किस लिए? लो कल लो बात, आपको तो पता ही नहीं किस लिए। इसीलिए क्योंकि ये पहले वाली मेडिसिन्स लेना भूल गया तो ये दूसरी वाली है ना। और अगर ये दूसरी वाली भी भूल गए तो? अरे भाई साहब, उसके लिए तो पहले वाली पहले से ही है। ओए मुद्दे की बात कर, ये बता के यहाँ क्यों आया? हाँ वो यहाँ आया वो। अरे भाई साहब किस लिए आया था? नहीं नहीं आप गुस्सा मत कीजिए, वो थोड़ा सा स्लिप हो जाता है। आ गया, याद आ गया, मैं इसीलिए आया था। आपको एक जरूरी बात बताना है, एक राज की बात है। कौन सी राज की बात? हाँ वो बात ये है कि शोलम साहब, शोलम प्रणाम मालिक। तुम दोनों यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? शाबजी हम इनके साथ आया है शाबजी। और ये? ये हमारे साथ आया है, हम दोनों एक साथ आया है, हम इनके साथ फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। अरे बाप रे, अगर इन लोगों ने अंकित के पापा को सब सच बता दिया तब तो मैडम सर का प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा। चलो दफा हो जाओ, दफा हो जाओ ऐसे। शाबजी मैंने बोला दफा हो जाओ ऐसे, मैं पैर तोड़ दूंगा तेरे में। शाबजी हम संतोष को फोन लगाते हैं, अगर वहां उनका काम हो गया होगा तो तुम तुरंत पहुंच जाना। शाबजी हमारा जान ले लो, लेकिन शाबजी हमको निकालो। ओए तू निकल, तू नहीं चाहिए मेरे को। चल सविता, कैसन बा? सविता हता तंखुआ। सविता? हाँ हाँ मालिक सामने ही खड़े। ओ सविता तंखुआ मांग रही है, का बोले? बड़ी आई तनख्वाह वाली, ना बता जाके गांव में बैठ गई है, अब उसे तनख्वाह की याद आ रही है। उसकी तनख्वाह की कुंडली मैं निकालता हूँ, बात करवा। क्या बोलने आया था? हाँ हाँ याद आ गया भाई साहब। अरे भाई साहब याद आ गया। क्या हुआ मैडम सर, गड़बड़ है कुछ? हाँ लगता तो वैसे ही कि कोई गड़बड़ जरूर है जिसे संतोष संभालने की कोशिश कर रही। ये तो होना ही था ना,
दोनों साथ में जो गए हैं मिशन पर। चीता चतुर्वेदी हमारे सामने बाज नहीं आता है, वहां तो उफ मासूमियत उफ मासूमियत करके पूरा सीमा पार कर दिया होगा। याद आ गया, आप पूछ रहे थे ना राज की बात, मैं बताने आया था जो, याद आ गया। देखिए क्या है, ये जो महिला पुलिस थाना है ना, उस थाने में सब्जी 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 महिला पुलिस थाना में इनकी धर्म पत्नी और पुत्र का खिलाफ केस लिखवाया है महिला पुलिस थाना में, यही ना? पता है, आप दवाई खाओ सब्जी, दवाई खाओ आप। नहीं नहीं, वो साजिश है। साजिश है? हाँ। नहीं सब्जी, नहीं सब्जी, दवाई खिलाने में कौन सा साजिश है, कोई साजिश नहीं है। दवाई आप लोग खाइए, भाई साहब आपके खिलाफ साजिश हो रही है। ये लो। कौन कर रहा साजिश की बात? अरे भाई साहब साजिश कर रहे हैं आप लोग। अरे लेकिन हम कैसे साजिश कर सकते हैं भाई साहब, मैं आपको बताने आया हूँ, चेताने आया हूँ। ओए चलो, बहुत हुआ तुम्हारा, चलो निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे यहाँ से चला जाऊँ, जब तक याद है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ। ना जाओ, निकलो यहाँ से। क्या मुसीबत है संतू जी, इनको भी सब कुछ क्लाइमेक्स में ही याद आना है। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे क्यों सुनूं? अरे चीटर हो तुम लोग, चीटर 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 बोल रहे, ये मेरी लड़की को चीटर बोल रहे। आपको भी कहां तरह आए हैं? मुझे भी चीटर बोला। क्या कर लेगा, कुंडलियां बदलवा दूंगा तुम लोगों की। ऐसे कैसे कुंडलियां बदल देंगे, कुंडली बनी सूप। ओ सूप नहीं, ई सूप, वो अलग है, ई अलग है, सूप एकदम सूप वाला सूप। अब कौनो भी बीच में बोलेगा ना तो कह रहे हैं हमसे हमसे बुरा कौनो ना ही होगा, समझे समझे का? हाँ। कब से देख रहे हैं कच्चर पच्चर कच्चर पच्चर, हमारे दिमाग खा गए हैं ये। तुम्हार बेटी ऐसी, तुम्हार बेटा ऐसा, शर्म है का नहीं है? हाँ? बैठा बैठा, बैठ जाओ सब्जी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब बैठे ना, शांति से सुनो, बीच में ना ही बोलेंगे। हाँ। समझाओ फुलका। हाँ। तो संतोष जी समझा तो दे, लेकिन सवाल ये समझाए का? हाँ, समझाओ। शाबजी, अब तुम बताओ ये क्या है? ये चश्मा। चश्मा नहीं है, ये आपका सुपुत्र अंकित है। ओ, और शाबजी एक मिनट, शाबजी हमको ये बताओ कि ये क्या है? हाँ ये मैं बताऊंगा, मैं ये अंकित है तो ये मेरी बेटी कोमल है। ओए चश्मे बद्दू, चलो। नहीं 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 शाबजी, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं शाबजी, ये समझाने का ज्ञान देने का पैसा नहीं लेता। ओए चुप कर, सविता की तनख्वाह है, ले और निकल यहाँ से, चल। और जनाब आप क्या कर रहे हैं, चलिए निकले। अरे ऐसे कैसे निकल जाए, मेरे घर से मुझे ही निकाल रहे हो, आप निकलो। ओ भुलक्कड़, गौर से देख, ये घर मेरा है, चलो निकलो, बहुत हो गया, चलो। ठीक है आपका घर होगा, लेकिन मैं कोई यहाँ बसने के लिए नहीं आया, मैं आपको होशियार करने के लिए आया था। ठीक है, मैं पहले से ही बहुत होशियार हूँ, चलो अभी चल। तो रहो फिर होशियार, मुझे क्या लेना देना। सलाम साहब जी। ओ तुम लोग गए नहीं, चलो निकले थे। हम हो जाएंगे। हेलो इली जी साहब, रखो उधर, चलो तो। सलाम साहब। दी ये 12 के कोमल कैसे घर पे जाएगी? पता नहीं। पापा? शायद पापा ने कोई दूसरा चश्मा पहन लिया है, इसलिए शायद उनको कुछ दिख नहीं रहा है। जाओ जाओ जाओ। ये अंकल नीचे काफी गहरा गड्ढा था, इसीलिए मैंने आपको पकड़ा, आप ठीक तो है ना? थैंक यू बेटा। इन्हें बिना चश्मे के बिल्कुल दिखाई नहीं देता,
जी नहीं। करिश्मा मैडम। करिश्मा मैडम। चयन मैडम। ओके। समझ गया ना चीते? हाँ संतू जी हाँ। इसको खोलेंगे कैसे? एक सेकंड संतू जी। चिट्ठी? एक सेकंड इधर आइए ये चिट्ठी? हम बिलौटा सिखाया हमको बिलौटा। चलिए संतू जी। संतू जी हाँ जी सर क्या हो गया सब ठीक है? आप अपनी एसएचओ को बुलवाइए बेटा। एसएचओ मैडम लीजिए। मिस्टर पुरोहित आप फिर से? देखिए हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आपका बेटा और बीवी की बेल हम अभी नहीं कर सकते। नहीं नहीं मैडम मैं आपसे आज कोई बेल वेल मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करने आया हूँ। मेहरबानी करके बस कीजिए अब ये मेंटल टॉर्चर। अब मुझसे ये टॉर्चर अब और बर्दाश्त नहीं होता। देखिए क्या हालत हो गई है मेरी। टाइम पे दवाई नहीं खाना नहीं कोई भला कैसे अपनी पत्नी और परिवार के बिना जी सकता है। अभी आजकल मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। अभी अभी तो मैं मरते मरते बचा। वो तो भला हुआ इस बच्ची का जिसने मुझे बचा लिया। थैंक यू बेटा। जिंदगी में आज पहली बार एहसास हुआ है कि बेटी होना कितना जरूरी होता है। आश भगवान ने मुझे इस नालायक की बजाय बेटी दी होती। लगता है आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है ना। आप ये वाला चश्मा पहन के देखिए। बेटियों के बारे में बात कर रहे थे ना आप जारी रखिए कहिए कहिए। हाँ हाँ कहिए ना क्या कह रहे थे। जी आप सही देख रहे हैं आपका बेटा और आपकी बीवी कभी जेल में थे ही नहीं वो बिल्कुल सही सलामत है। सच बताएं तो इस तरह के केसेस में हमें बहुत सोचना पड़ता है बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं लेकिन इस बार जो कुछ किया है इन दो बच्चों ने किया है। हमने तो बस सोचा ही था कि आपको कैसे समझाएंगे लेकिन इन्होंने कर दिखाया। मिस्टर पुरोहित दो दिन आप अपनी बीवी और अपने बेटे के बिना जी नहीं पाए आपकी ऐसी हालत हो गई तो फिर ये सोचिए कि वो बाप जो अपनी जिंदगी के लिए अपनी बेटी पर डिपेंड करता हो वो उसके बिना कैसे जिएगा। बीवी का इंतकाल बहुत सालों पहले ही हो चुका था और रिश्तेदार तो सिर्फ होली दिवाली पर मैसेज भेजने के लिए ही काम आते हैं कभी कोई किसी का बोझा नहीं उठाता। लेकिन सिर्फ एक बेटी ही है जो जिंदगी भर साथ निभाती है अपना फर्ज निभाती है अपने माँ बाप को संभाल कर रखती है और उनसे बहुत प्यार करती है। और अगर कोमल अपने पिता के लिए ऐसा करना चाहती है तो क्या गलत चाह रही है। जब कोमल जैसी बेटी अपने पिताजी को अपने साथ रखने का बात करती है तो उनको चालबाज समझा जाता है। इसलिए आप शिफ्ट होना चाहते थे ना लखनऊ से दिल्ली। हाँ पुरोहित जी आप नहीं चाहते थे कि आपका बेटा इस लड़की के सुनहरे जाल में फंस जाए कहीं वो इमोशनल ट्रैप में फंस के इमोशनल होकर लड़की के पिताजी को आप सबके घर ना ले आए। और आप ही के इस शिफ्ट होने के प्रेशर में आकर अंकित इतना ज्यादा घबरा गया कि अपनी ही सगाई पर नहीं पहुंचा। मिस्टर पुरोहित तजुर्बा कहता है हमारा लिपट कर वो रोए बहुत हैं बेटियों के अपने हालात पर जो कहा करते थे कि विरासत के लिए तो बेटे जरूरी हैं। बेटा हमें माफ कर दो बेटा
हमारी आंखें खुलने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे घर की खुशी के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ओए पुत्र जी, तो मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये जिंदगी तो अब तेरी कर्जदार हो गई है। जिंदगी भर कुंडली कुंडली करता रहा, लेकिन आज पहली बार जाके मालूम पड़ा कि भगवान जिसकी कुंडली में बेटी देता है वो कितने भाग्यशाली होते हैं। ओए, तेरे को बुलाना पड़ेगा इधर। जी बाबा। वेलकम टू फैमिली बेटा। जीते रहो, खुश रहो और ठीक इसी तरह जिंदगी भर मुझे बचाते रहो इस भुलक्कड़ बाप से। ओए तुझसे बोल रहा हूं। हाँ वो थोड़ा तो मैडम जी, ये है जादू की छड़ी बिछाने की, जो पूरे लखनऊ शहर में मशहूर है। आप जादू की छड़ी से लोगों की कुंडलियों में से दुख निकालकर सुख भर देती है। वाह, आज देख भी लिया और महसूस भी कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फाइनली इनके साथ मेरी शादी तय हो गई। क्या बोल रहे हैं आप? अब आपके बेटे और मेरी बेटी की शादी तय हो गई। सॉरी बहन जी, सॉरी। मैडम सर, हमारी तरफ से आपकी पूरी टीम को ये तो बनता है। रेडी चीते? रेडी रेडी संतु जी, बढ़िया, आगे बढ़िए बढ़िया बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, बाप रे, कुर्सी है संतु जी वहीं पे, अभी आप गिर के बिखर जाती हैं। हाँ हाँ, अब आइए, आगे बढ़िए बढ़िया बढ़िया संतु। हाँ, ये दूसरी कुर्सी है। स्मार्ट संतु जी, करेक्ट। अब बिना सोचे समझे ना एकदम नाक के सीध में आइए और आपका मंजिल आपके एकदम सामने खड़ा है, गले लगा लीजिए संतु जी। आइए आइए संतु जी, आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, आइए संतु जी। क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है ये चीती? दो सेकंड पुष्पा जी, एक गरीब का बचपन का सपना ना पूरा होने ही वाला था पुष्पा जी, अपना सपना को छूकर करके वापस आ गए हम, लेकिन आप यहाँ पर आकर जो हमारे सपना का मटियामेंट की है ना, ठीक बात नहीं। अरे क्या बोल रहे हो तुम, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें बता। पुष्पा जी, वो मैं प्रैक्टिस कर रही थी और चीता मेरी मदद कर रहा था। कल ना मैंने एक पिक्चर में देखा पुष्पा जी कि अगर आप आंखें बंद करके किसी चीज पे कंसंट्रेशन करते हैं ना, तो उससे आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम खुली आंखों से चीजें नहीं दिखाई देती हमें, तो वो ही हमें हमारे दिमाग की तरंगों से साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए आप अपना पूरा फोकस जो है ना वो टारगेट अचीव करने में लगा लेते हैं। टारगेट संतु जी, टारगेट, आप आगे बढ़कर अपने टारगेट को ना इसे गले लगाने ही वाली थी ना कि पुष्पा जी, ना पुष्पा जी बीच में आकर खलल डाल दी। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, पुष्पा जी बीच में तीन बार ऐसे मुंह खोली थी, कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए ना जी, बोलिए। वो ये बाप रे, लल्ला के बाबूजी का याद आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। पता है हमारे यहाँ भी एक रस्म हुआ करती है, उस रस्म में पता है क्या होता है, नई नवेली दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे कमरे में ले जाया जाता है, वहाँ बहुत से रिश्तेदार बैठे हुआ करते हैं और फिर सबके हाथ छूकर अपने जीवन साथी को पहचानना होता है। हमारी आंखों पर भी पट्टी बांध दी गई थी और लल्ला के पापा को ढूंढने के लिए कहा गया था। अरे हमने ढूंढना शुरू ही कर दिया पर जय हिंद मैडम। जय हिंद। का बोल रही हैं? लल्ला के बाबूजी को ढूंढ रही थी, कुछ नहीं। मैं तो थाना में और कोई काम नहीं है, पूरा दिन बस बकैती चलता रहता है यहाँ पर। हाँ
15 अगस्त आ रहा है, देश के लिए कितना बड़ा दिन है, हमारे थाना के लिए कितना बड़ा दिन है। दूसरे थाना में देखो क्या तैयारी चल रहा है इस दिन का स्वागत के लिए, और यहाँ चल रहा है बकैती, टाइम पास चल रहा है यहाँ पे। हाँ नहीं मैडम, वो तैयारी तो हम कर लेंगे, लेकिन कोई हमें ये तो बताए कि करना क्या है। ना कोई प्रेजेंटेशन है, ना कोई प्लान है, ना कोई प्लान बी है, ना कोई लेआउट है, तो ऐसे कैसे फिर हम क्या करें। संतोष शर्मा, हमें 15 अगस्त की तैयारी करनी है, किसी मिशन की नहीं। जय मैडम। जय। और वैसे भी 15 अगस्त का दिन ना हम हिंदुस्तानियों के लिए बड़ा दिल से निकलता है, तो उसकी तैयारियां भी दिल से होनी चाहिए। चलिए मिलकर तय कर लेते हैं। किसी के पास कोई आइडिया है कि इसे कैसे सेलिब्रेट करें? कोई खास योगदान, कोई खास तरीका? पुष्पा जी। मैडम सर, हमारे लिए तो देशभक्ति की जीती जागती मिसाल हमारे सामने खड़ी है। आप बताइए क्या करना चाहती है। थैंक यू पुष्पा जी। हमें लगता है कि इस बार 15 अगस्त के दिन ना कुछ अलग करते हैं, कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे ना क्या हुआ? जी जी मैडम सर, आप सही कह रही हैं। हाँ तो धूम धड़ाके के साथ, थोड़ा नाच गाने के साथ, थोड़ा प्रोग्राम वगैरह इस तरह का कुछ करें। बहुत अच्छा आइडिया मैडम सर, लेकिन इसे ना थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में कर सकते हैं कि नाच गाना हम आंखों पे से पट्टी बांध के करते हैं, पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ। आंखों पर पट्टी? इस बारे में जरा आराम से बात करेंगे। चीता चतुर्वेदी, हमने जो एनवेलप्स हमारे केबिन में रखने को कहा था वो हो गया? सुनामी मैडम सर, एनवेलप्स का सुनामी आ गया है। आधा आपके केबिन में भिजवा दिए हैं, आधा भी थोड़ी देर में भिजवा देंगे। लेकिन वैसे मैडम सर, इतना ज्यादा एनवेलप्स में है क्या? अपनी यूपी पुलिस के लिए जूते खरीदने का टेंडर खुलने वाला है ना, और मैडम सर की ईमानदारी को देखकर डिपार्टमेंट ने इस बार मैडम सर पर जिम्मेदारी सौंपी है टेंडर पास करने के। कितने गर्व की बात है हमारे महिला पुलिस थाने के लिए। कितने का टेंडर है पुष्पा जी? 1,00,000 जूते, मतलब पूरे 2 करोड़ का टेंडर है। क्या बात कर। हाँ तो उसी टेंडर के लिए अलग अलग कंपनीज के एप्लीकेशन है। थैंक यू पुष्पा जी। व्हाट अ टाइमिंग, लगता है बहुत राइट एंट्री ली है मैंने। आप? हेलो मैम, मैं पीकू। वैसे पंकज, सुना है आप जूतों का टेंडर पास करने वाले हैं, इसलिए मैं सोचा आपसे कुछ बात कर ली जाए। अकेले में कर सकते हैं? जी बैठिए, बैठकर इत्मीनान से बताइए कि आप ऐसी कौन सी जरूरी बात अकेले में करना चाहते हैं। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, पता नहीं कहाँ बवाल चल रहा है देश में। मैडम सर, नहीं आजकल हर एक दूसरा आदमी ना मैडम सर जूता का कंपनी खोल के बैठा हुआ है। मैडम सर, हमको तो लगता है कि दुनिया में उतना आदमी नहीं जितना ये लोग जूता बना दिया है। अब आप खुद ही देखिए ना, कितना सारा एप्लीकेशन आया है जूता के टेंडर के लिए। देखिए देखिए देखिए, आप खुद ही देखिए। सॉरी मैडम। आप क्या कह रहे थे? आप इनके सामने बोल सकते हैं कि क्या बात है मैडम, अभी तक टेंडर खुला नहीं है। मतलब ये कि समझदार के साथ डील करने का अलग ही फायदा है। नो टाइम वेस्ट, डायरेक्ट पॉइंट पर। तो आइए फिर पॉइंट पे। जवाब ये है मैडम, ये आपके लिए। कहा है सस्ता कबीर सिंह, जूता होगा मैडम सर। बदनाम भाई। बोलो भाई। यार सोच रहे 15 अगस्त आ रहा है। यार हमारा देश आजाद हुआ था, इसी मुबारक मौके पर काश हमारी ये जो टीचर लाइफ है ना, इससे भी हमें आजादी मिल जाती। ऐसे आसमान से नोटों की बारिश होते को ना शुरू हो जाए, नोटों की गड्डी आकर टपाक से हमारी गोद। क्या कहा तुमने? नोटों का बारिश होगा?
आसमान से। तुम्हारे चाचा गए थे ऊपर बादलों की टंकी में नोटों के पुलंदे भरने, जो तुम बोलोगे और धन वर्षा हो जाएगा। जय 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 जय। हाँ, बकैती कम करो, काम ज्यादा करो। हाँ हाँ, काम करो। चलो। है? क्या हो गया? निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती रिश्वत देते हुए? आज के बाद इस थाने के बाहर दिखाई दिए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। मैडम सर को रिश्वत दे रहे थे? नालायक, बेहुदा, नहायत ही घटिया आदमी, मेरा मुंह का तक। निकलो यहाँ से। निकलो। जा रहे ना। क्या भैया, जिंदगी से संबंध खराब हो गए हैं तुम्हारे? जो तुम सीधा हसीना मैडम के पास पहुंच गए रिश्वत देने। नसीब बहुत अच्छा है तुम्हारा, कसम दिया हुआ उन्होंने हमें, इसलिए हमारा जो एक्शन मूड है ना, अभी थोड़ा छुट्टी पे गया हुआ है। वरना वो सुताई करते ना कि जब जब करवट लेते एक ही बात बोलते, दरोगा जी देखे तो बहुत, पर तुम साना देखा। क्या समझे? हाँ सर, समझ गए जी, समझ गए। चलो कटो। हाँ, जा रहे हैं। हमारे पैसे? कौन सा पैसा? अरे मैडम ने खिड़की से बाहर फेंके हैं ना, यही कहीं थे। अमाओ आसमान के लुटेरो, वो धन वर्षा हुआ ना अभी, लौटा। कब गिरा? नहीं है पैसे। कसम से। ये पकड़ो अपना काला पैसा और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो अगर हमारा बर्दाश्त का छुट्टी कैंसिल हो जाएगा ना तो तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। चलो ठीक है, जा रहे, अभी जा रहे। जी सर, पुलिस वालों के नए जूतों के लिए जो टेंडर इशू करना था वो हमने कर दिया है। हमने बहुत सारी कंपनीज को चेक किया और हमें लगता है कि इस बार भी जो कॉन्ट्रैक्ट है हमें फैंसी शूज कंपनी को ही देना चाहिए। ये वही कंपनी है जो बहुत सालों से पुलिस के जूते ऑलरेडी बना रही है। भरोसेमंद कंपनी है, जाने मानी विदेशी ब्रांडेड कंपनी है। उनकी शूज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कभी कहीं किसी से कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। और अब इतने सालों बाद वो अपनी क्वालिटी खराब करके अपना नाम तो खराब करेंगे नहीं, तो हमें लगता है कि इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को दे देना चाहिए। हम, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए हमें चुना है, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। अरे बिल्कुल मिस मलिक, हमें खुद से ज्यादा भरोसा है आप पर। गो अहेड, मेल भेज दीजिए। जी सर, शुक्रिया। एंड सर, वेलकम बैक, बहुत अच्छा लगा कि आप वापस आ गए। धन्यवाद, धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया। जय हिंद। संतोष शर्मा, टेंडर के लिए। कोई बात नहीं, कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑफिशियल पेपर है वो डिपार्टमेंट को मेल कर दीजिए, ठीक है? जी मैम। ग्रेट। और कुछ? जय हिंद। जय हिंद। झंडा प्यारा ये क्या कॉल है? सॉरी। कितनी बार तुमको बोला वो गैप नहीं आना चाहिए, उसको अच्छे से भरो, अच्छे से करो। का तुमको देख रहे, एक घंटे से एक ही गुब्बारा फुगा रही हो तुम। हमको तो लग रहा है फंक्शन तक ना तुम एक भी गुब्बारा फुगा नहीं पाओगी, और फिर तुमको अगर कोई जड़ बुद्धि बोल देता है तो तुम चिर मिरा जाती हो। मैडम, अब इनका बारी, इनको बोलिए। तो हम कर देंगे ना दूसरा। अब जय मैडम। संभल के। गिर रहे थे, संभल गए। लगता है यहाँ पर तैयारियां बहुत जोश में चल रही है। गुड गुड जॉब करिश्मा सिंह। मैडम सर, आप ही ने कहा है ना कि 15 अगस्त का दिन हम हिंदुस्तानियों के दिल से निकला दिन है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि दिल से तैयारियां हो जाए इस दिन के लिए। और ये प्रे कर रहे हैं कि तैयारियां होने तक कोई नया केस ना आए, वरना सब अटक जाए। करेक्ट संतु जी। नहीं मतलब मैडम सर, ये बात भी सही है ना कि पूरा देश में जितना भी लोग है सबको किसी ना किसी एक मौका पर छुट्टी मिलता ही है,
एक हम लोग का डिपार्टमेंट है, हम लोग को 365 दिन एकदम दिल से दिमाग से जोर लगा के काम करना पड़ता है, कोई छुट्टी नहीं होता, ना ही 15 अगस्त को, ना ही 26 जनवरी को, ना करिश्मा मैडम बोली कोई गलत बात कह रहे हो तो हम। हाँ बात तो सही बोली है, दे देते तुमको छुट्टी। हाँ थैंक यू मैडम। हाँ तुमको लंबा छुट्टी देते हम, तुम्हारा ट्रांसफर कर देते हैं जंगल बिहड़ की चौकी में, और जानवरों के साथ अपना छुट्टी पे छुट्टी बनाना। हाँ ठीक है। नहीं मतलब जिम्मेदारी नाम का कोई चीज है कि नहीं है? सब लोग छुट्टी इसलिए मना पाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पीछे पुलिस फोर्स खड़ा है उनकी सुरक्षा के लिए। अब हम ही लोग छुट्टी ले लेंगे तो उनका सुरक्षा कौन करेगा बताओ भैया? आप बिल्कुल सही कह रही हैं करिश्मा सिंह, खासकर 15 अगस्त का दिन, हमारी आजादी का सुनहरा दिन, हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए इतना बड़ा और गौरव का दिन। इस दिन लोगों को एहसास होना ही चाहिए कि वो सही मायनों में आजाद है। अब उन्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब कोई भी बाहरी या अंदरूनी दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सरहद पर हमारे जवान तैनात हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और यहाँ हम हैं, हमारी पुलिस फोर्स है जिसने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है उनकी सुरक्षा के लिए, और इसलिए हमें छुट्टी नहीं मिल सकती। इस दिन तो एहसास होना जरूरी है कि अब हमारा देश सही मायनों में आजाद है, और अब हमारे देश के लोग इस आजादी को खुलकर महसूस कर सकते हैं। कब तक आप इस भ्रम से खुद को बहलाती रहेंगी मैडम? ये जुबानी आजादी है, जहन से हम आज भी गुलाम हैं। जहनी तौर पर आजाद होते तो ये टेंडर फैंसी कंपनी को नहीं मिलता। आप कौन? सुधाकर झा, मेरी भी जूते बनाने की एक छोटी सी कंपनी है मैडम, फर्राटा शूज कंपनी। पुलिस विभाग को जूते सप्लाई करने के लिए जो टेंडर आपके पास पास होने के लिए आए थे, उसमें मैंने भी अप्लाई किया था। बहुत नाम सुना था मैडम आपका और आपके इस थाने का, लेकिन बाबूजी की आज कही हुई कहावत याद आ गई, ऊंची दुकान और फीका पकवान। अरे क्या सुना था आपके बारे में और क्या निकली आप? हे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मना किए थे ना यहाँ दोबारा आने से? हाँ समझ में नहीं आया। बेटा है ये मेरा। हाँ बताइए, इसलिए इतने तिलमिला रहे हैं ये भाई साहब? पहले तो अपने बेटे के हाथों रिश्वत भिजवाई, जब मैडम सर ने लेने से मना कर दिया तो खिसिया गए, इसलिए सारी भड़ास निकालने के लिए यहाँ आ गए। देखिए भाई साहब, वो तो शुक्र मनाइए कि इसकी उम्र पे तरस खा के मैडम सर ने उसको ऐसे ही जाने दिया, वरना इसकी जगह कोई और होता ना तो थाना प्रभारी को रिश्वत देने के आरोप में जेल जा चुका होता। ये यहाँ रिश्वत देने नहीं, परखने आया था। हसीना मैडम की ईमानदारी के बारे में जो बातें सुनी थी वो देखना था सच कितना है और सुनी सुनाई बातें कितनी है, और जब इन्होंने इसकी रिश्वत ठुकरा दी तो लगा कि अब कुछ अच्छा हो सकता है। और हम जैसे बेशुमार कारीगरों को जो सालों से इस कोशिश में लगे हैं कि अपने देश में अपनी देसी कंपनियों को एक पहचान और सम्मान दिला पाएं, हमें लगा वो आप ही के द्वारा हमें मिल पाएगा। पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आप भी औरों जैसी निकली, बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे आपने बड़ी कंपनी का रौब खाकर उस फैंसी कंपनी को टेंडर दे दिया। हमने बचपन से एक कहावत सुनी है महोदय, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हमको लगता है आपके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपको शायद आपका हार बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए आप ठीक है कोई बात नहीं, हो गया जो होना था वो हो गया, टेंडर किसी और को मिल गया, आप ये सब भुला के आगे बढ़िए। 15 अगस्त आ रहा है, थाने में बहुत सारी तैयारियां करनी है, आप ये जो तमाशा है ये बाहर जाके कीजिए, यहाँ से आप जा सकते हैं। चला जाऊंगा मैडम, बस एक सवाल का जवाब हसीना मैडम से सुनना है। फैंसी सूज कंपनी ही क्यों मैडम? आपने उस कंपनी को ही ऑर्डर क्यों दिया? अपने देश की इतनी काबिल और अच्छी कंपनियां थी, उसको छोड़कर विदेशी कंपनी को चुना आपने? क्योंकि वो एक ब्रांडेड कंपनी है, भरोसेमंद कंपनी है, बहुत सालों से डिपार्टमेंट के जूते वहीं से आ रहे हैं, और कभी भी किसी को भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं हुई, क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए हमें लगा कि वो टेंडर देने लायक है। मैडम जिस कंपनी पर आपको भरोसा है ना, वो कंपनी हम पर भरोसा करती है। जब आपकी पुलिस के लिए नए जूते सप्लाई होने लगते हैं ना, तब वो हमारा इंतजार करते हैं कि हम उन्हें जूते सप्लाई करें। ये आपके फैंसी लेदर शूज कंपनी के बनाए हुए जूते नहीं है मैडम, ये हमारी फर्राटा कंपनी के बनाए हुए जूते हैं।
क्या जी? देखो ये है फैंसी कंपनी के जूते और ये है फराटा कंपनी के जूते। और आपके हाथ में ये जूते हैं ना, फैंसी लेदर शूज कंपनी हमसे 100 रुपए में खरीदती है इनको और अपना टैग लगा करके पुलिस डिपार्टमेंट को आगे 200 रुपए में बेचती है। बस विदेशी कंपनी के जितने प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं ना, वो हमारे देश के कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। और दुर्भाग्य से यही प्रोडक्ट जब हम अपना देसी टैग लगा करके बेचते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अरे उसकी कोई आधी कीमत नहीं देता है। अपने ही देश में अपने लोगों द्वारा ऐसा सौतेला व्यवहार सिर्फ इसलिए कि हम विदेशी ब्रांड नहीं है, हम बड़े लोग नहीं है, इसलिए हम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। माफ कीजिए मैडम, हम कितने ही स्वतंत्रता दिवस मना लें, हम अपने आप को कितना ही बरगला लें कि हम आजाद हो गए, लेकिन जब तक इस ब्रांड नाम के सम्मोहन से आप बाहर नहीं आएंगे, अपने देश की हुनर को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम आजाद नहीं होंगे। आप मेरी आखिरी उम्मीद थी मैडम, पर अफसोस आपने मुझे ना उम्मीद किया, मुझे नहीं लगता कोई और उम्मीद बची है, इसलिए मैंने फैसला कर लिया 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं सुधाकर झा आम नागरिक सबके सामने अपनी जान दे दूंगा। और मेरी मौत की जिम्मेदार होंगी मैडम हसीना मलिक आप। क्या सोचा है आपने मैडम सर? पुष्पा जी हमें ऐसा लगता है कि करिश्मा सिंह ये क्या कर रही हैं? बहुत हुआ मैडम सर, अब हम कब से प्रमोशन मांग रहे हैं लेकिन आप तब से हमारा प्रमोशन टाले जा रही है, लेकिन अब और नहीं, अगर आज आप हमें प्रमोशन नहीं देंगी तो हम आपको शूट कर देंगे। क्या ये क्या कर रही हो बेटा? बहू डायन करिश्मा मैडम ये क्या कर रही हैं आप? नीचे रख दी, गन है, गन। करिश्मा मैडम ये क्या कर रही हैं? ये कोई मुजरिम मुजरिम नहीं, अपनी हसीना मैडम है, रखिए रखिए नीचे रखिए। अम्मा भग, हमें पता है हमने किस पे बंदूक ताना हुआ है, मेहरबानी होगा अगर आप सब लोग हमारे बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो बंदूक है ना वो बहुत चंचल टाइप का है, कहीं पे भी घूम सकता है। ये क्या आप हमें धमकी दे रही हैं? हम सास हैं आपके। सास रहेगी तो सास रहेगी ना पुष्पा जी, आपको प्रमोशन चाहिए ना, मैं ऊपर आपके लिए बात करूंगी कि आपको प्रमोशन मिल जाए। यू ट्रस्ट मी मैडम, मैं हूं ना, मैं आपके लिए बात करूंगी, लेकिन आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मैडम प्लीज। हमारा मजाक चल रहा है क्या? हमको प्रमोशन चाहिए मैडम सर, अगर आप हमें आज प्रमोशन नहीं देंगी तो या तो हम आपको आज शूट कर देंगे, नहीं तो हम अपना जान ले लेंगे, हम अपना जान ले लेंगे और हमारे जान का जिम्मेदारी होगा मैडम सर पर। हम 3 तक गिनेंगे, 1। अरे ये क्या कर रही हैं आप? 2। नहीं चीते सुन, तू कुछ तो बोलो। मैडम ऐसा मत कीजिए, कम से कम 6 तक तो गिनिए। हाँ नहीं, कम से कम 10 तक तो गिनिए मैडम प्लीज। हाँ हाँ 3। अरे क्या कर रही हैं आप? मैडम सर आप क्या कर रही हैं? वो बंदा आता है रिश्वत देने का कोशिश करता है, उससे बात नहीं बनता है तो वो इमोशनल ब्लैकमेल करने का कोशिश करता है, उससे भी बात नहीं बनता है तो फिर वो अपनी जान देने की बात करता है और आप उसके प्रपंच में आ जाती हैं, जैसे अभी आप हमारे प्रपंच में आ गए। मैडम आपने अपना पॉइंट समझाने के लिए मैडम सर को गन पॉइंट पे रखा। माफी चाहते हैं मैडम सर, ये हमने बहुत गलत किया,
झूठ मूठ में ही सही हमने आपके ऊपर बंदूक ताना, शर्मिंदा है हम इस दुस्साहस के लिए मैडम सर। लेकिन हम आपको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि वो जो बंदा यहाँ आया था वो आपके अच्छे होने का, आपके जज्बाती होने का, आपके भावुक होने का फायदा उठा रहा है और वो जीत भी गया है। आप उसके प्रपंच में आ गई है मैडम सर। करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, थाना ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो कोई भी अपराधी आकर हमारे सामने इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, हम उसकी बातों में आ जाएंगे। पुलिस कानून अगर ऐसी सबके सामने घुटने टेक देगा बिना जांच पड़ताल किए या बिना ये जाने कि क्या जायज है ना जायज है, ऐसे तो थाना नहीं चलेगा ना मैडम सर। और हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा आपने उस आदमी को जाने कैसे दिया। वो आत्महत्या का धमकी दे रहा था थाना में आकर हम सबके सामने। ये एक अपराध है, ये गैर कानूनी है। वो हिरासत में होना चाहिए था अभी मैडम सर। हो गया, हम कहें हम ना ही उसकी बेकार की धमकियों से डरे हैं और ना ही हम बेमतलब जज्बाती हो रहे हैं। करिश्मा सिंह, हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन जैसा जहर हमारे सिस्टम में कहां कहां तक और क्यों फैला हुआ है, जिसका खामियाजा ये बेचारे गरीब मेहनती कारीगर भुगतते हैं। इनका दर्द कौन समझेगा, इन्हें इनका हक कौन दिलाएगा? और ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा करिश्मा सिंह? और हम ये सब अपने जज्बातों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे थाने के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। उसके लिए कर रहे हैं जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। हम उसे गलत कैसे साबित होने दें, आप बताइए। लाए कप, जहर दो इसको, तुम चाय बोलते। अबे चपड़गंज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, समझे कि नहीं? अगर चाय जब पैसे नहीं दिया तो चपड़गंज बाबा मैं जान ले लूंगा। अबे तेरी नहीं, मेरे खुद की जान ले लूंगा और उसका जिम्मेदार होगा तू, समझे कि नहीं? लाओ दो। मैडम ये देगा, हमने कहा दो। अरे मैडम ये क्या आपके सामने रखी है? चाय का बात नहीं कर रहे हैं, तुम जान देने का बात कर रहे थे ना, लाओ जान दो जल्दी जल्दी। अरे अरे मैडम हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक। भाई मैया की सासु मैया, हाँ का मजाक लगता है कि जान देना? जिसको देखो जान देने का बात कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, फायदा उठा रहा है, ये क्या कर दोगे जान दे के तुम? इतना इजी लगता है तुमको जान देना? आज के बाद अगर किसी को जान देने का धमकी दिया ना तो मैया कसम बता रहे हम जान ले लेंगे तुम्हारा, समझे? अरे मैडम हाँ समझ गया मैडम, समझ गया समझ गया। अरे भाई कौन सा देश चौकस होता है हमको बताओ तुम, कौन सा देश चौकस होता है? नहीं होता है, हमको चौकस बनाना पड़ता है, समझ रहे हो तुम्हारी बात को? और क्या जान देने से क्या हो जाएगा? अच्छा मान लो तुमने जान दे दिया, देश तो क्या तुम्हारा चाय कठिया का भी कुछ नहीं बदलेगा। हाँ जान दे दोगे, अगर बदलना है ना तो ये सोच बदलो, खुद का सोच बदलो और दुनिया में आगे बढ़ो। जान देने से कुछ नहीं होगा तो बात, दूसरा चाय लाओ। अदरक वाली स्पेशल चाय। हो गया, पहनिए मैडम सर। अब मैडम सर मैंने दोनों ही जूतों पर जो है वो सेंसर लगा दिया है और जो सेंसर है वो मेरे फोन से कनेक्टेड है, तो आप जैसे ही भागना स्टार्ट करेंगी ना तो इस जूते की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, इनकी क्वालिटी के बारे में, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में मुझे इस ऐप के थ्रू पता चल जाएगा। ओह रियली? ओके। रीड हो रहा है? हाँ। गुड, चलिए करिश्मा सिंह थोड़ी सी कसरत हो जाए, बाइक निकालिए और आइए हमारे साथ। जी मैडम सर। चल हाँ तो संतू क्या बताया तुम्हारे इस कुकर्ण ने? यही मैडम के दोनों जूतों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। इसका मतलब? इसका मतलब ये कि सुधाकर जी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है।
कि फैंसी कंपनी हमारे देश के टैलेंटेड लोगों का टैलेंट खरीद के उस पर अपना लेबल लगा के हमें बहुत ही आसानी से बेवकूफ़ बना रहे और हम बेवकूफ़ बन रहे ब्रांडेड चीज़ों के लालच में आके। ये टेंडर फैंसी शू कंपनी को देकर सुधाकर जी जैसे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है मैडम सर। इस बार आपसे गलती हो गई, आपका जजमेंट गलत निकला। अब क्या करें मैडम सर? अब जो गलती हो गई उसे सुधारेंगे, वही करेंगे जो पहले करना चाहिए था। पर कैसे मैडम सर, क्योंकि ऑफिशियल मेल तो आपकी तरफ से डिपार्टमेंट को जा चुका है। बदलना पड़ेगा, फैसला बदलना पड़ेगा हमें भी और डिपार्टमेंट को भी। नहीं नहीं मैडम सर, ये बहुत गलत हो जाएगा। सब आपकी योग्यता पर सवाल उठाएंगे, सबको लगेगा कि आप गलत फैसला लेती हैं, सही फैसला लेने के सक्षम नहीं। आप समझिए हमारी बात को, और गलती से ये बात मीडिया तक पहुँच गया फिर तो बवाल खड़ा हो जाएगा। अभी अभी के लिए हमें क्या लगता है कि मामला रहने देते हैं, बाद में निपटा लेंगे ना मैडम सर? हाँ नहीं करिश्मा सिंह, मामला तो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन तब तक हम खुद को आईने में कैसे देखेंगे? ये जानते हुए कि हमने गलत फैसला लिया है और अब जो होने वाला है वो उससे भी गलत है, हम खामोश नहीं रह सकते और इस बोझ के साथ नहीं रह सकते, और इसके साथ स्वतंत्रता दिवस तो बिल्कुल नहीं मना सकते। अब तो ये लड़ाई छिड़ गई है, जो होगा देखेंगे।